कंटेंट इज किंग आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या वाकई कंटेंट किंग है? जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं इसलिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि लोग क्या सर्च करते हैं। हमें डिमांड अंडरस्टैंड करनी होती है ताकि उसके अगेंस्ट हम कंटेंट जनरेट करें, लेकिन कंटेंट जनरेट करने पे फोकस है कि जनरेट करेंगे तो ही लोग कुछ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो ही गूगल उसमें रैंक कर पाएगा। सो गूगल को इंडेक्स करने के लिए कंटेंट चाहिए, बगैर कंटेंट के गूगल वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं कर सकता। सो इंडेक्सिंग बेसिकली होती क्या है? अगर आपने जो हमने पहले डिस्कस किया है, सो इंडेक्सिंग बेसिकली आपका कंटेंट ही इंडेक्स होता है, और गूगल जब ये देखता है कि आपके कंटेंट पे क्या है, वो तभी लोगों को दिखा पाता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसमें हमने जरूर ये बात की कि मेटा टैग्स भी होते हैं, लेकिन मेटा टैग्स हेड सेक्शन में रह जाते हैं, जो कि HTML में हमने जिक्र किया था, लेकिन ये हेड सेक्शन गूगल के लिए और ब्राउजर्स के लिए हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो गूगल या ब्राउजर या दूसरे सर्च इंजन पिक करते हैं। हमें कंटेंट के लिए बॉडी सेक्शन देखना होता है। बॉडी में जो भी आप लिखेंगे वो पब्लिकली विजुअली लोगों को नजर आएगा, जो लोग देख सकते हैं वो कंटेंट सारा लोगों को जहां जो भी आप यहां लिखते हैं वो नजर आता है। हमें यह पता है कि सब कुछ HTML में होता है, लेकिन विजुअली जो ब्राउजर्स हैं वो HTML को दिखाते हैं तो वो उसको प्रॉपर फॉर्म में दिखाते हैं। गूगल जो करता है क्रॉल, वो बेसिकली आपका कंटेंट है। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं होगा तो वो आपको नहीं पिक कर सकेगा। बहुत बड़ा मसला लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत हेक्टिक है लिखना या इन्वेस्टमेंट करना इस पे फायदा नहीं है। ये याद रखें कि अगर आप SEO करना चाहते हैं तो आपको अच्छी SEO के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए। अच्छे कंटेंट के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि कंटेंट होता क्या है, या उनको ये पता ही नहीं है कि कंटेंट की कितनी फॉर्म्स हैं और वो किस किस तरह से अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। सो कंटेंट से मुराद सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट में आपका इमेजेस और वीडियोस और दूसरी चीजें भी शुमार होती हैं। सो अगर आप कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो मेनली दो सेक्शंस बनते हैं कंटेंट के, जो कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही होते हैं। इनमें पहला सेक्शन तो स्टैटिक कंटेंट है। स्टैटिक कंटेंट से क्या मुराद है? स्टैटिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आपकी रेगुलर पेजेस के ऊपर होता है, जैसे कि होम पेज या सर्विसेज पेज या प्रोडक्ट पेज या अबाउट या कॉन्टैक्ट। ये पेज रोजाना चेंज नहीं होते, इसमें जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो नॉर्मली स्टैटिक रहता है। स्टैटिक से मुराद वो एक जैसा ही रहता है, उसमें ज्यादा रद्दबदल नहीं होती, वो चेंज नहीं होता। हाँ, आप उसको अपडेट कर सकते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन आप उसको रोज अपडेट नहीं करते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है वो साल पहले भी वैसी थी, वो साल बाद भी वैसी है, लेकिन अगर आपने चेंज किया तो मे बी आप एक साल बाद या कुछ महीनों बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सो स्टैटिक कंटेंट में आपका रेगुलर कंटेंट आता है, लेकिन डिजिटल में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम रेगुलरली अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं। तो ये ब्लॉग कंटेंट जो है ये बेसिकली आपके आर्टिकल्स होते हैं, और इन आर्टिकल्स की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। उन आर्टिकल्स में क्या क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल लिखना चाहें तो आप यूजफुल आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर हम मिसाल लें मोबाइल स्टोर की, तो मोबाइल स्टोर में अगर मैं मोबाइल स्टोर चला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पर रेगुलर ऑडियंस आती रहे, तो मैं चाहूंगा कि मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता रहूं। उसमें बहुत कंटेंट तो स्टैटिक कंटेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मोबाइल फोन लॉन्च हुआ या कोई नई मोबाइल की कंपनी आई है, तो उसके ऊपर हमने जो भी पेजेस बनाए उसके ऊपर मैंने कंटेंट जो लिखा वो वही का वही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल आते जाएंगे हम नया कंटेंट डालते जाएंगे, पर वो रोज चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, मोबाइल की जो फीचर्स हैं वो तो वही रहेंगे, आप जो भी कर लें वो तो चेंज नहीं होंगे। सो मोबाइल जैसा लॉन्च हुआ वो कंटेंट उसका स्टैटिक ही रहेगा। हालांकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोजाना एक आर्टिकल लिख सकता हूँ या मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिख सकता हूँ उन्हीं मोबाइल्स के बारे में, लेकिन डिफरेंट एंगल से। वो कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज, जैसे कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि टॉप 10 मोबाइल पाकिस्तान में कौन से हैं। मैं हर महीने अगर एक लिस्ट लिखना शुरू कर दूं कि टॉप 10 मोबाइल्स ऑफ द मंथ, या मैं हर हफ्ते लिखना शुरू कर दूं टॉप 10 मोबाइल्स या टॉप 5 मोबाइल्स ऑफ द वीक, सो उससे क्या होगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करता चला जाऊंगा, और ये कंटेंट डायनामिक कंटेंट है, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ भी सकती है, ये लाइफ इसकी कम भी हो सकती है। लेकिन इसको आप स्टैटिक कंटेंट इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लॉग कंटेंट जो है वो नॉर्मली स्टैटिक नहीं रहता, ब्लॉग आपका डायनामिक रहता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द मंथ या टॉप 10 फोन्स ऑफ जून जुलाई या किसी भी महीने के आप लिखेंगे,
तो उस महीने के लिए वो कंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जब आर्टिकल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो ब्लॉग को आप डायनामिक कंटेंट के तौर पे लेंगे, ब्लॉग डायनामिक होता है, वो रोजाना चेंज भी हो सकता है, वो जितनी फ्रीक्वेंसी से आप चेंज करना चाहें वो दिन में 10 दफा भी चेंज हो सकता है। सो मिसाल लेते हैं, अगर न्यूज अखबारों की अगर आप देखें तो न्यूज पेपर्स की जो वेबसाइट है उसमें दिन में बहुत ज्यादा खबरें बहुत तेजी से आती हैं, सो वो कॉन्टेंट पूरा का पूरा चेंज होता रहता है, उसमें स्टैटिक कॉन्टेंट बहुत कम है। स्टैटिक कॉन्टेंट काम इसलिए है क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं है जो कोई चीज बेच रहा हो, वो उनका काम ही न्यूज है और न्यूज ही उनकी प्रोडक्ट है। तो न्यूज रोज चेंज हो रही है तो वो रोज नया अपडेट हो रहा है। सो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आपने कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से लिखना है, क्योंकि कंटेंट वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आप स्टैटिक कंटेंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप डायनेमिक कंटेंट पे जा सकते हैं जिसमें आप ब्लॉग्स के ऊपर जा सकते हैं, या मजीद कंटेंट यानी कि इमेजेस और वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे गूगल आपको ज्यादा इंडेक्स कर पाएगा और आपके ज्यादा पेजेस को ऊपर दिखा पाएगा। सो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम न्यूज मीडिया को हायर करेंगे या पीआर फर्म्स को हायर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन अखबारों में छपवाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके क्लाइंट्स के साथ या आपके साथ कि आपको अखबार वालों को या उनको न्यूज़ वालों को आपको बुलाना पड़ता है और आप फिर उनको कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो आपकी खबर लगा दें, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी कंपनी की खबर खुद लगाएं अपने ही ब्लॉग पे। आप एक सेक्शन बना लें न्यूज़ का या कंपनी न्यूज़ का, आप उसमें जो भी आपकी कंपनी में एक्टिविटी हुई, किसी की बर्थडे हुई, आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, आपने कहीं ट्रिप किया या आपने कोई प्रमोशन दी या कुछ भी, आपकी टीम आपका असासा है जो बेसिकली अगर आप उसको प्रमोट करना चाहें तो आपके पास न्यूज़ सेक्शन एक बेहतरीन सेक्शन है जहां पर आप उनके इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनकी कामों की तारीफ कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को लेते हैं और किस तरह से हम अपने काम को बेहतर करते हैं। सो ये डिफरेंट अंदाज हैं जिसमें आप कंटेंट लिख सकते हैं। इसकी अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको बेशुमार टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ अपडेट्स बताऊं कि किस तरह से लोग फंस जाते हैं कि कंटेंट हम क्या लिखें, कैसे लिखें, समझ नहीं आती। लेकिन कंटेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं और ये एक बहाना होता है गूगल को दोबारा अपने वेबसाइट पर बुलाने का और लोगों को ज्यादा कंटेंट दिखाने का। एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आप डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सीरियस कंपनी है तो आप उसको सीरियसली सिर्फ सीरियस कंटेंट ही लिख सकते हैं। आप अपने यूजर को देखते हुए अपना कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, उसमें एंटरटेनिंग पोस्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पोस्ट बना लें, कोई मीम पोस्ट बना लें, लेकिन ये बस ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आप लिखें आपका कंटेंट किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लैकमेल ना करे, किसी को किसी की बुराई ना करे, क्योंकि वो फिर लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने किसी को बदनामी की है तो आप पे डेफेमेशन का केस कर सकता है। डेफेमेशन बेसिकली एक लीगल टर्म है जिसमें अगर आप किसी की बदनामी करते हैं और अगर वो उसका नुकसान हो सकता है तो आपसे चार्जेस क्लेम कर सकता है। सो कंटेंट लिखने में आपके पास पूरी आजादी है, आप हर तरह से हर एंगल से कंटेंट लिख सकते हैं और बल्कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या पसंद करती है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना, कि आपकी बात से किसी की बुराई ना हो। अगर आपने करनी भी है किसी की तरह से बात तो आप डायरेक्ट किसी को हिट ना करें, आप एक जनरल टर्म में बात करेंगे और आप ये है कि कंटेंट लिखेंगे तो उस पर आपको नुकसान नहीं होगा। सो आखिरी बात कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कोशिश करें कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस ना करें, आप इमेजेस के ऊपर भी बात करें, आप वीडियोस भी बना सकते हैं और इनको आप अपनी वीडियोस पे जब इनको जब आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो अल्टीमेटली वो एक एंगेजमेंट क्रिएट करेगा और लोग पसंद करेंगे इसको, और जब लोग पसंद करेंगे तो वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे।